आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्र, स्टडी आईक्यू पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के 47वें न्यायाधीश, 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। तो एस ए बोबडे की आज हम बात करेंगे। दोस्तों, बता दूं कि ये एक सवाल आपका पक्का है, एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। तो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है वो मैं इस लेक्चर में आपको बता दूंगा। इससे पहले हमने बात की थी जस्टिस रंजन गोगोई, वो 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उनके बारे में हमने बात की थी, उनका लेक्चर अवेलेबल है, आप जरूर देखिए। अब 18 नवंबर को वो रिटायर हो गए, बर्थडे भी उनका इसी दिन पड़ता है, 65 साल के हो गए, रिटायर हो गए। और उसके बाद अब जस्टिस शरद अरविंद बोबडे आए हैं और इनका कार्यकाल 18 महीने तक, 1.5 साल तक ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। तो देखेंगे इनके जजमेंट्स कैसे आएंगे, क्या क्या चीजों पर ये नजर डालते हैं, कौन कौन से केसेस लेते हैं, देखना मतलब इनका जो कार्यकाल है वो देखने वाला होगा। सिर अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, दोनों ही जगह पर चक्की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स, उसकी नोटिफिकेशन आ गई है, आपको पता ही है, और 300 बॉन्ड्स है कुछ। आज ही मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट सीरीज आप स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से ऑर्डर करें, स्टडी आईक्यू आपके साथ है, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ओनली यू हैव टू पे ₹1500। वेबसाइट विजिट करिए या फिर नंबर्स पर कॉल करिए या फिर www.testiq.in, इस पर जरूर विजिट करिए और ये फॉर्म जरूर भरिएगा। याद रखिएगा पीसीएस के लिए है ये, टॉप करिए, एसडीएम बनिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाइए और देश के लिए कुछ काम करिए। तो इंडियन जुडिशियल हायरार्की आप देख लीजिए दोस्तों, सबसे ऊपर आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 25 अदर जजेस। अब इसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा मांग चल रही है कि इसको 31 करो, ठीक है, लेकिन वो कब बढ़ेगा तो भगवान ही जाने। उसके बाद फिर हाई कोर्ट आपको पता ही है, देश में 25 हाई कोर्ट है, सारे स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है। उसके बाद फिर डिवीजन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, फिर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि जो न्यायपालिका है वो बिल्कुल नीचे तबके तक गई है, मतलब बिल्कुल नीचे जहां से शुरुआत होती है, ठीक है ना, न्याय की, वहां पे गई है। गांव में भी आपको न्याय पंचायत मुंसिफ कोर्ट मिलेंगे। तो पूरा ये जो हायरार्की है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसको ऐसे बनाया गया है कि कोई भी फरियादी अगर आता है तो उसको न्याय मिले, ठीक है, अन्याय ना हो उसके साथ, जस्टिस लेके जाए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी मामले इतने पेचीदा हो जाते हैं कि न्याय मिलते मिलते बहुत देर हो जाती है, लेकिन मिलता जरूर है, ठीक है, भरोसा रखना पड़ता है आपको भारत के संविधान पे, न्याय जरूर मिलता है, ठीक है। अब वैसे तो भारत में 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, अभी हम बात करेंगे, 4 करोड़ केसेस दोस्तों बहुत हो गया। कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जब तक उनकी सुनवाई की बारी आती है उनकी डेथ हो चुकी होती है, ठीक है। तो अब ये पूरा एक क्लॉगिंग सिस्टम हो गया और किस तरीके से इसको अब निपटारा करना है ये बड़ी चुनौती रहेगी, हर चीफ जस्टिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि कैसे इसका निपटारा किया जाए। और जस्टिस शरद अरविंद बोबडे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने भी यही चीज बोली, मेरी जो मेन प्रायोरिटी रहेगी वो जो रिक्त पद है, जो वैकेंसीज है, ठीक है। आप हाईकोर्ट में अभी 400 से ज्यादा वैकेंसीज खाली है, 30 से 40% वैकेंसीज हैं, लेकिन वो निकलती नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको भरेंगे। अब उसको भरेंगे तो जल्दी निपटारा होगा, है ना भाई, ज्यादा स्टाफ रहेगा तो काम जल्दी जल्दी होगा, जाहिर सी बात है। तो ये सारी चीजें बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है और जजेस की संख्या बढ़ानी है और जो ये कॉलेजियन सिस्टम है, रोस्टर सिस्टम, उसको और ज्यादा स्ट्रांग करना है। साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती जो पेंडिंग केसेस है उसका निपटारा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों, इससे पहले जो जस्टिस रंजन गोगोई थे वो तो रेवोल्यूशनरी जज, वो तो एकदम फुल ऑन लग गए थे कि कैसे भी करके जितने भी केसेस हैं उनका निपटारा करो। प्रधानमंत्री मोदी जी को उन्होंने 3 लेटर भी लिखे थे, मैंने सब कवर किया, आप जरूर देखिएगा। तो जस्टिस एस ए बोबडे का जन्म होता है 24 अप्रैल 1956 में। आपको पता ही है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नियुक्ति होती है वो सीनियोरिटी के हिसाब से होती है, तो सबसे सीनियर है जस्टिस, मतलब रंजन गोगोई के बाद जस्टिस बोबडे। अब 24 अप्रैल 1956, ठीक है, यानी कि 65 साल में रिटायरमेंट है, तो कब तक रहेंगे ये बताइए, 2021 तक, ठीक है। तो अप्रैल 2021 तक, यानी कि 18 नवंबर से अप्रैल 2021 तक इनका कार्यकाल रहेगा, इसका मतलब ये 1.5 साल तक काम करेंगे और देखेंगे इनका काम कैसा होता है। वैसे जो इनका परिवार है वो पूरा वकीलों का परिवार है, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे इनके परिवार वाले रहे हैं, इनके दादाजी भी बहुत बड़े लॉयर थे, इनके पिताजी तो एडवोकेट जनरल थे, ठीक है ना, इनके पिताजी महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल थे। आपको बताइए दोस्तों, अटॉर्नी जनरल होता है और एक एडवोकेट जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल याद है कि नहीं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, एम लक्ष्मीकांत पढ़ी कि नहीं, कौन से आर्टिकल में है, फटाक से कमेंट बॉक्स में बताइए।
तो अटॉर्नी जनरल होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, जो भी सेंटर के केसेस होते हैं वो अटॉर्नी जनरल लड़ता है। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि सरकार के ऊपर कोई भी केस होता है या सरकार को कोई केस लड़ना होता है तो अटॉर्नी जनरल को ही सारी डांट पिटती है। जो भी जुडिशरी बड़ी लताड़ लगाती है वो अटॉर्नी जनरल को ही सुनना पड़ता है। ऐसा स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है, ये भी आपको पता ही होगा आई होप। एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में। तो इनके पिताजी अरविंद बोबडे महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल रहे हैं और कांग्रेस को काफी सपोर्ट भी करते थे। ठीक है, तो ये चीज है। इनके जो भाई हैं, बड़े भाई, वो भी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर रहे हैं और बहुत बड़े लॉयर रहे हैं। 2016 में इनका देहांत हुआ और बहुत ही ये अनफॉर्चुनेट था। अब पिताजी लॉयर एडवोकेट जनरल, दादाजी लॉयर, बड़े भैया लॉयर, तो ये कैसे पीछे रह सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि परिवार में जो प्रोफेशन होता है उसको ही कैरी करने में भलाई रहती है। उसका रीजन ये होता है कि अब एक जैसे अरविंद बोबड़े का ही आप एग्जाम्पल लीजिए, शरद बोबड़े का ही आप एग्जाम्पल लीजिए, जस्टिस शरद बोबड़े, आई एम सॉरी, उनका आप एग्जाम्पल लीजिए। तो क्या है कि परिवार में हर कोई लॉयर है तो अच्छे से गाइडेंस मिल सकता है। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है बहुत मैटर करता है। लेकिन अगर किसी नए इंसान को लॉयर बनना है और वो सोच रहा है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसको शुरू से शुरू करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। स्पेशली तब अगर उस वो अपनी परिस्थितियों से जूझ रहा हो या फिर उसके परिवार में कोई वकील नहीं हो या फिर कोई उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले, तो ये चीज है। ये बहुत बड़ा एक अपर हैंड तो होता ही है। ठीक है, तो यहां पे हम ये देखते हैं कि 1980 से लेकर 1985 तक, 5 साल तक इनके पिताजी एडवोकेट जनरल रहे। इनकी बात करें तो इन्होंने नागपुर यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन किया, लॉ डिग्री ली वहां पे, और उसके बाद बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र 1978, बार काउंसिल में आपको एनरोल होना पड़ता है दोस्तों, ऐसे आप केसेस नहीं लड़ सकते। ये मत समझिएगा कि आपके पास एलएलबी की डिग्री आ गई और उसके बाद आप कोई भी केस लड़ा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बड़े कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है तो बार काउंसिल का एग्जाम देना पड़ता है और बार काउंसिल का एग्जाम टफ होता है, आपको काफी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहां पर वही वकील लड़ सकता है जो बार काउंसिल का हिस्सा हो। तो 1978 में बार काउंसिल का एग्जाम दिया और वहां पर फिर एनरोल होते हैं और 1998 में सीनियर एडवोकेट ये चुने गए। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि 2000 में इनको जज बनाया जाता है, एडिशनल जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। फिर मध्य प्रदेश में 2012 में इनको चीफ जस्टिस बनाया गया। हाई कोर्ट का भी एक जस्टिस होता है, हेड होता है, चीफ जस्टिस होता है, आपको पता ही है। और अल्टीमेटली 2013 में इनको सुप्रीम कोर्ट में एंट्री मिली, तो सुप्रीम कोर्ट के ये जज बनाए गए। ठीक है ना, तो ये चीज है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब एंट्री मिल गई तो उन्होंने बहुत अच्छे डिसीजन दिए। 18 नवंबर 2019 को, यानी कि ये जो मैं लेक्चर है ये मैं 18 नवंबर को ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आज के दिन ये 47वें न्यायाधीश जो है वो चुने गए, 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 18 नवंबर। अब आपको पता ही है कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को ओथ दिलाता है, तो रामनाथ कोविंद तत्कालीन प्रेसिडेंट है। रामनाथ कोविंद की भी बायोग्राफी मैंने कवर की है, गजब का इनका करियर रहा है दोस्तों। इनफैक्ट रामनाथ कोविंद क्या, मैंने सारे राष्ट्रपतियों की प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट सीरीज दोस्तों जरूर देखिएगा मेरी, उसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, तो सबकी बायोग्राफी मैंने कवर की है। ठीक है, तो रामनाथ कोविंद ने इनको ओथ दिलाई और उसके बाद बहुत सारे मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी जी भी प्रेजेंट थे, बहुत अच्छी बात है। वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू भी प्रेजेंट थे, तो हर कोई प्रेजेंट था। और अमित शाह जी भी प्रेजेंट थे, होम मिनिस्टर जो है आपको पता ही है। और एल के आडवाणी जी, आडवाणी जी की अगर हम देखें तो उनकी मतलब काफी उम्र होगी उनकी, ठीक है, आई थिंक 92 साल के है। आडवाणी जी की मैंने बायोग्राफी कवर किया, आप जरूर देखिएगा। तो वो जाते नहीं है वैसे, मतलब कम होता है, कम हो गया उनका दिखना, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स में वो दिखेंगे नहीं। लेकिन अच्छी बात है, जब ऐसे बोबटे को अपॉइंट किया गया तो एल के अडवाणी देखने को मिले, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 23 अप्रैल, जैसा कि मैंने बताया कि जब तक ये 65 साल के नहीं हो जाते, 2021 तक इनका टेन्योर जो है वो रहेगा, 18 महीने, 1.5 साल तक काम करेंगे। अमेरिका में दोस्तों क्या होता है कि अगर आप 90 साल के भी हो जाए, अगर आपका दिमाग अच्छे से चल रहा है, तो वहां पे आप मतलब केस की सुनवाई कर सकते हैं, आप जज रह सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है और इसकी मांग चल रही है कि इस चीज को हटाएं, ठीक है, ये एज को हटाएं और या तो एज बढ़ाएं, ठीक है, एज या तो बढ़ा दें आप या फिर इस चीज को थोड़ा खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे इसीलिए और ज्यादा केसेस पेंडिंग हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अगर ये थोड़ा सा उम्र को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा या फिर अगर थोड़ा सा टेन्योर जो है बढ़ाया जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज है। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बढ़ाने के लिए तो ये तो आवाज काफी टाइम से उठ रही है। अब उसके बाद इनके नोटेबल जजमेंट दोस्तों देख लेते हैं। आधार पे इन्होंने बहुत ही बेहतरीन जजमेंट दिया, आपको पता है आधार बहुत ही बेहतरीन एक कंसेप्ट है। ठीक है, अच्छी बात है, आधार सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, लेकिन हर चीज के लिए आधार क्या ये सही है? शायद नहीं, हर चीज के लिए आधार शायद सही नहीं है। यहां पे हम ये देखते हैं कि जस्टिस बोबडे भी इस बेंच में थे, जस्टिस बोबडे, जस्टिस चेलमेश्वर और जस्टिस नागप्पन, ठीक है, तो इनकी बेंच थी। और इन्होंने बोला कि अगर किसी भी भारतीय नागरिक के पास आधार कार्ड नहीं है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बेसिक सर्विसेज या फिर जो सरकारी अनुवृत्तियां हो मतलब हैं उनके पास, जो सरकार अनुवृत्तियां देती है, जो सब्सिडीज देती है, वो आप नहीं देंगे, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिए। तो ये बोला उन्होंने, ठीक है, सरकार को ये बोला, ये सख्त निर्देश दिए, क्योंकि आपको पता ही दोस्तों हर चीज के लिए आधार कार्ड जरूरी हो गया था। अच्छी बात है जैम ट्रिनिटी जो लॉन्च करने की कोशिश है, और आधार बहुत ही अच्छी बात है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसमें सरकार को, सरकार की तारीफ बनती है, ठीक है, आपको आज दर दर भटकना नहीं पड़ता, अपने आधार कार्ड की वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है, सब ऑनलाइन है, ठीक है, आपकी सब्सिडी सीधा आपके बैंक अकाउंट में आती है, आधार से लिंक किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हर चीज के लिए आधार, तो वो थोड़ा सा सही नहीं है, ठीक है। रिक्वेस्ट आई थी, प्ली आई थी, उसने ये बोला था कि मेरा जो 26 हफ्ते का भ्रूण है, जो फीटस है, मुझे उसको अबॉर्ट कराना है, अबॉर्शन के लिए एक औरत की प्ली आई थी, ठीक है, रिक्वेस्ट की थी यहां पे सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन जज उस समय बोबडे थे और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर किसी को जीने का अधिकार है, हां अगर औरत की जान पे बनाए तब आप बिल्कुल इसको अबॉर्ट करा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं। एक्चुअली था क्या कि इसके स्कल में कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जो फीटस था, तो जब ये लड़का पैदा होता तो इसको फिजिकल डिसेबिलिटीज होती, ठीक है ना, ये अपंग पैदा होता, प्रॉब्लम थी, डाउन सिंड्रोम हो जाता इसे, तो इसीलिए इस औरत ने ये बोला, लेकिन इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि ये भी एक बहुत ही बड़े डिसीजन के तौर पर देखा जाता है। साथ ही साथ भैया आपको पता ही, दिवाली में पटाखे जलाए जाते हैं, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है, और इस बार तो बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि AQI इंडेक्स बहुत ऊपर जाता रहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और ये भी पिटीशन आई थी, तो 2016 में जस्टिस बोबडे भी थे, जो बेंच थी, TS ठाकुर, जस्टिस बोबडे और अर्जन कुमार सिकरी, इन्होंने ये बोला था कि भैया एक्सट्रीम एयर पोल्यूशन है नेशनल कैपिटल रीजन में, तो जो पटाखों की सेल है पहले तो वो बंद करिए और इतने पटाखे मत जलाइए। तो पटाखे जलाने पे पूरी तरीके तो नहीं, कुछ रिलैक्सेशन दी थी, लेकिन फिर भी रोक लगाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अयोध्या डिस्प्यूट दोस्तों आपको पता ही है, अभी 5 जजेस की बेंच ने वो डिसीजन दिया, और ऐतिहासिक डिसीजन है दोस्तों। हालांकि जब ऐतिहासिक बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं ये थोड़ा गलत है, वो इतिहास तय करेगा कि वाकई में ये ऐतिहासिक डिसीजन है कि नहीं। कोई भी डिसीजन आता है तो ऐतिहासिक बोलने से हमको बचना चाहिए। अब मैं खुद ये बोलता हूं तो मैं खुद भी अपनी गलती मान रहा हूं, वो इतिहास डिसाइड करता है कि वाकई में ये ऐतिहासिक डिसीजन है कि नहीं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो लैंड डिस्प्यूट है, आपको पता ही 1950 से ये चला आ रहा है, और अल्टीमेटली जो डिसीजन आया है 5-0 से, 1000 पन्नों का ये जजमेंट है, और ये राम जन्मभूमि के फेवर में गया है, राम लला विराजमान को इसमें मतलब जीत मिली है, और उनको इसमें हम कहते हैं कि जो पूरी जमीन है वो उनको दी गई है। अब उसके लिए एक ट्रस्ट बनेगा, एक कस्टोडियन तो चाहिए ना, क्योंकि रामलला विराजमान तो भगवान है। तो वो जो पूरा डिसीजन आया है उसमें जो 5 जजेस की बेंच थी उसमें भी जस्टिस बोबडे थे, ठीक है ना, और 5-0 से जजमेंट आया। उसके बाद दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले साल 2018 में ही 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई भी शामिल थे। वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम कर रही थी, और उस समय जस्टिस दीपक मिश्रा थे, ठीक है, रंजन गोगोई से पहले उससे खुश नहीं थे वो। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे बोबडे ने, ऐसा बोला जाता है कि दोनों के बीच में दोस्ती कराई थी, दोस्ती मतलब जो बीच का मार्ग होता है वो निकाला था, ठीक है ना। तो रिकंसाइलेशन प्रोसेस जो है उसमें भी जस्टिस ऐसे बोबडे शामिल थे। फिर हम ये देखते हैं दोस्तों कि नालसा के भी चेयरमैन है ये, ठीक है, नेशनल लीगल अथॉरिटी, सर्विस अथॉरिटी, जो लोगों के पास पैसा नहीं होता है केस लड़ने के लिए, उसकी मदद करती है ये नालसा। इसके भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, मतलब सेकंड इन कमांड है जस्टिस बोबडे। उसके बाद जब जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर आपको याद होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे थे, ठीक है, तो जो कमिटी बिठाई गई थी उसमें भी जस्टिस बोबडे थे। तो बहुत कुछ किया है जस्टिस बोबडे ने। अब दोस्तों हम पेंडिंग केसेस की बात करते हैं। लगभग दोस्तों 3.5 करोड़ से 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में, अकेले ही 43 लाख कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 58,000 कोर्ट और हाई कोर्ट में 43 लाख कोर्ट। तो ये बैकलॉगिंग हो गई है, क्लॉगिंग सिस्टम एक पूरी तरीके से जाम हो गया सिस्टम, आप देख सकते हैं ना। अब इसको निपटारा करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे जो रिक्त पद है, जो वैकेंसीज हैं, फटाक से निकाली जाए और इनको भरा जाए, जजेस की संख्या बढ़ाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने। लेकिन दोस्तों जुडिशियल कमीशन जो है, नेशनल जुडिशियल कमीशन जो है, और जुडिशियल रिफॉर्मेशन की भी अब जरूरत है। और ये हर जज कहता है, जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन के आते हैं, यही कहना था रंजन गोगोई का भी। जस्टिस रंजन गोगोई ने भी काफी लेटर्स लिखे प्रधानमंत्री मोदी जी को, और यही कहना है जस्टिस एस ए बोबडे का। इतने इंटेलेक्चुअल है, उन सबको पता है क्या सही है क्या गलत है। तो ये चीज है, अब देखेंगे दोस्तों 1.5 साल का कार्यकाल है इनका, कार्यकाल कैसा होता है। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस ले, भारत की डेमोक्रेसी और ज्यादा स्ट्रांग हो। तो खुश रहे, पढ़ते रहे, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।